नमस्कार जिस्ट में आपका स्वागत है मैं हूं राहुल श्रीवास्तव कश्मीर का हुस्न आंखों से उतर रूह में पहुंचा तो बादशाह जहांगीर ने फारसी में बोला अगर फिरदौस बर रूए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त यानी धरती पर कहीं स्वर्ग है तो सिर्फ यहीं पर है अब आमतौर पर मामूली जमीन के टुकड़े पर भी भाई भाई लड़ जाते हैं कश्मीर तो ठहरा जन्नत पाकिस्तान 77 साल से इसे पाना चाहता है कुछ लोग कहेंगे कि क्या पुरानी बात कर रहे हैं मगर साहब पुरानी बात से ही नए सफ़े खुलते हैं पिछले कुछ दिनों से जम्मू इलाक़ों में लगातार हुई आतंकी कार्यवाही गंभीर मामला है यहाँ सिर्फ पाकिस्तान या उसके साथ बॉर्डर नहीं चीन भी प्लेयर है हिंदुस्तान पर हमले के लिए नए हथियार नए तरीके और नए कारण आ रहे हैं पाकिस्तान को शायद आज तक ये समझ नहीं आया कि हिंदुस्तान का हर सूबा हर बाशिंदा किसी जगह को जन्नत तब मानता है जब एक पैर अमन में हो और दूसरा जमहूरियत में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के हटने के बाद से बदलाव का सबसे बड़ा इशारा था जम्मू और कश्मीर में 2024 का लोकसभा चुनाव 2019 में 19.16 प्रतिशत वोट पड़े थे 2024 में अट्ठावन प्रतिशत से ज्यादा इतना वोट पिछले 35 सालों से उस इलाके में नहीं पड़ा अब जन्नत में जमहूरियत मजबूत करने का अगला कदम होगा विधानसभा का चुनाव यानी इलाके की अपनी सरकार यह बात पाकिस्तान पाकिस्तानी फौज और वहां चल रही टेरर इंडस्ट्रीज को एक्सेप्टेबल नहीं है नतीजा आइए देखते हैं जम्मू इलाके में पिछले पंद्रह साल की शांति भंग हो चुकी है नौ जून को दिल्ली में बड़ा दिन था नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले थे उस दिन स्ट्रेटेजिक हमला हुआ जून नौ जम्मू के रियासी इलाके में हमला हुआ एक बस में भक्तगण शिवखोरी मंदिर से माता वैष्णो देवी मंदिर जा रहे थे आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करी बस खड्ड में जा गिरी नौ लोग मारे गए हमला लश्कर एयबा मॉड्यूल ने किया था अब आइए जून 11 और 12 हीरानगर एनकाउंटर हीरानगर कठुआ में इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक है सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादियों को मारा एक सीआरपीएफ का जवान शहीद हुआ आतंकवादी ऊधमपुर में हमले की फिराक में थे जून 12 डोडा एनकाउंटर आतंकियों के साथ एनकाउंटर में पुलिसकर्मी को चोट आई एनकाउंटर टॉप इलाके में हुआ जून बारह छतरगला हमला आतंकियों ने गंडो और छतरगला इलाके में हमला किया निशाना थे सिक्योरिटी चेक पोस्ट सात सुरक्षा कर्मी चोटिल हुए पुलिस ने कहा कोटा टॉप और यहां के हमले में अलग आतंकी गुट शामिल थे जून 19 बारामूला एनकाउंटर दो आतंकवादी मार गिराए गए शिनाख्त ने दोनों को पाकिस्तानी नागरिक ठहराया दो सुरक्षा कर्मियों को चोट आई ये एनकाउंटर वाटरगाम इलाके में हुआ था जून 20 पाकिस्तान से आए आतंकवादियों को घुसपैठ में मदद करने के लिए दो लोकल गिरफ्तार हुए घात लगाकर हमला किया डोडा के गंदोह में ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज गूंजी सुरक्षा बलों ने आतंकी आतंकी स्पॉट कर लिए थे वो बजाड़ गांव में छुपे थे जंगली इलाका है एनकाउंटर खत्म हुआ तो सुनिया क्या मिला आतंकियों के असलों में अमरीकी एम फोर राइफल मिली जानकार कहते हैं यह हथियारों का जखीरा अफगानिस्तान से आया जहां अमरीकी सेना उन्हें छोड़कर भाग गई थी जुलाई छह कुलगांव एनकाउंटर गोलाबारी दो दिन तक चली दो सैनिक शहीद हुए उनमें से एक पैराट्रोपर था छह आतंकवादी ढेर हुए यह मामला कश्मीर का था जुलाई आठ कठुआ हमला ये सबसे बड़ा था इसमें पांच फौजी शहीद हुए पांच को चोट लगी आतंकियों ने आर्मी कॉन्वॉय के दो ट्रकों पर हमला किया हमला फौज की राइजिंग स्टार कोर का कॉन्वॉय पर हुआ था ये इलाके में गश्त लगा रहे थे नोट करने लायक बात यह है कि यह हमला हुआ हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बॉय आतंकी कमांडर बुरहान वानी की मौत की एनिवर्सरी के दिन को एक एनकाउंटर में जुलाई 8 2016 में साउथ कश्मीर में मारा गया था गौरतलब यह भी है कि हमले से सिर्फ चार दिन पहले आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू एंड कश्मीर का दौरा करके गए थे यह आतंकी हमलों की लिस्ट भर नहीं है यह ट्रेंड और मल्टीपल स्ट्रेटजीज का इशारा है आतंकवादी हमलों का थिएटर कश्मीर से जम्मू शिफ्ट हो गया है यह साफ दिख रहा है मगर ऐसा नहीं कि कश्मीर मुद्दा अब नहीं है कोशिश क्या हो रही है कोशिश रीजनल डिवाइड कम्युनल डिवाइड पैदा करने की है आर्टिकल 370 के हटाए जाने को फेलियर सिद्ध करना जरूरी है जम्मू में प्रेशर बढ़ाकर कश्मीर में आतंक पर दबाव कम करवाना है अब पाकिस्तान के जनरल जो हैं पिछले एक डेढ़ साल से काफी समय तक इंटरनल टर्मोइल में फंसे रहे अब वो रीग्रुप हो गए हैं वो इस इलाके में आतंक दोबारा शुरू करवा के एक रेलेवेंस की तलाश कर रहे हैं कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं एक्सपर्ट्स की माने तो एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इन मंशाओं में एक सिनिस्टर यानी खतरनाक एंगल जुड़ गया है और वो है चीन और पाकिस्तान का टेरर नेक्सस चीन के साथ बॉर्डर पर हिंदुस्तानी फौजें आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रेंटेशन में लॉक्ड हैं एक समय पर इस इलाके से फौज को लद्दाख भेजा गया था जानकार कहते हैं कि चीन चाहता है कि जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी बढ़े तो चीनी फौज पर बॉर्डर पर हिंदुस्तानी दबाव घटेगा और जम्मू इलाके में जरूरत बढ़ी तो फौज चीन के बॉर्डर से ही आएंगी यानी लद्दाख एरिया से आएंगी उस नॉर्दर्न सेक्टर से आएंगी तो यानी इसमें चीन का मुनाफा दिख रहा है तो पाकिस्तान और चाइना की एक नेक्सस इसमें साफ दिख रही है अब दशकों से जंग जो है वो कश्मीर में लड़ी गई जम्मू में इस बार सरप्राइज़ फैक्टर काम आया तो ये वो फैक्टर है कि जम्मू में क्यों हुआ ये ये वार वा, वारदातें क्यों हो रही हैं तो कश्मीर के मुकाबले जम्मू में पहाड़ी इलाका जो है वो ज़्यादा दुर्गम है कश्मीर वैली है यहाँ कनेक्टिविटी कमज़ोर है कश्मीर में रोड्स अच्छी बन गई हैं क्योंकि सालों से झगड़ा रहा है यहाँ पुलिस कश्मीर के मुकाबले आतंक के खिलाफ उतनी तैयार नहीं है जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसमें कहीं ना कहीं एक डायल्यूशन हुआ है और कमज़ोरी आई है जम्मू में इन्फिल्ट्रेशन को परखने और रोकने में कोताही हुई है ये बहुत ज़रूरी बात है अब नए हथियार और नए औज़ार आतंकी बेहतर हथियार और टेक्नोलॉजी लेकर के इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं उनके पास चाइनीज़ कम्युनिकेशन यूनिट है ये एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये सबसे लेटेस्ट डेवलप है ये ऐसे कम्युनिकेशन अपरेटर्स हैं जिनको सुरक्षा बल उन्हें टैप नहीं कर पा रही है अभी तक क्या होता था कि जो ऐपरेटर्स फ़ोन्स या बाकी चीज़ें वो लाते थे आतंकवादी लाते थे मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ उनको टैप कर लेती थी अब चाइनीज इक्विपमेंट जो आया है उससे टैपिंग नहीं हो पा रही है अमरीकी एम राइफल तो है ही उसके अलावा उसमें इस्तेमाल जो हो रही है वो स्टील बुलेट्स है स्टील बुलेट्स की एक खासियत है आ, कश्मीर और जम्मू में तमाम सुरक्षा बलों के पास आर्मर्ड गाड़ियां हैं यानी जो आम बुलेट्स हैं उसके खिलाफ बख्तरबंद है लेकिन ये स्टील बुलेट्स जो हैं वो आर्मर यानी बख्तरबंद गाड़ियों को भेदने की क्षमता रखती है इसलिए स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल हो रहा है आतंकवादी पाकिस्तान से आ रहे हैं मगर जैसे पहले होता था कि लोकल्स को ज़्यादा डिप्लॉय किया जाता था वो नहीं हो रहा है आतंकवादी पाकिस्तान से आ रहे हैं लोकल्स को ग्राउंड लॉजिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इसीलिए मैंने कहा कि एन और तमाम एजेंसीज़ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा कौन कब निकलेगा किस जगह पर क्या है ये लोकेशंस जो है पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी को नहीं पता है तो कहीं ना कहीं ये इशारा है कि लॉजिस्टिकल ग्राउंड सपोर्ट जो है वो लोकल से मिल रहा है उसकी नजर है अब आने वाले खतरे क्या हैं ये हमले हो गए आने वाले खतरे सबसे ज्यादा है अमरनाथ यात्रा का खतरा आने वाले चुनावों से पहले आतंक और अराजकता का फैलना ये दो मेन खतरे हैं जानकार कहते हैं कि समय बहुत नाजुक है जरा सी भी चूक हुई तो आतंकी मौजूदा अमरनाथ यात्रा पर हमला करने से बाज नहीं आएंगे इसका एक फ़ायदा है आतंकी ऑपरेटर्स को और पाकिस्तान को कि उससे पूरे देश में माहौल ख़राब होने के चांसेस हैं। दूसरा टारगेट लॉन्ग टर्म है आने वाले महीनों में खतरे की घंटी बजती रहेगी क्योंकि पाकिस्तान की फौज और आतंकी संगठन आने वाले चुनावों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को डीरेल करना ज़रूरी समझते हैं अब इस मामले पर इन सब चीज़ों को लेकर के जम्मू में फैल रही टेरर एक्टिविटीज़ के कारण एक तरह की राजनीतिक सुगबुगाहट जो है वो शुरू हो गई है आप ये सुनिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा ये से करिए ना जो लोग आ, तीन सौ सत्तर के यहाँ से उड़ाने के बाद ये दावा कर रहे थे कि सारी मिलिटेंसी तीन सौ सत्तर के साथ जुड़ी हुई है और इसको हटाने के बाद जो है जम्मू कश्मीर जो है पूरी तरह से यहाँ यहाँ पे अमन छाया रहेगा ये सवाल आप उनसे करिए हमने बार बार कहा है कि मिलटेंसी का 370 से कोई लेन देन नहीं था हटाने से भी मिलटेंसी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा और ये साबित हुआ है ये लोग लापरवाही कर रहे हैं ये लोग अपने काम की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं बाकी चीज़ों में लगे हुए हैं आपके जो आला अफसर हैं उनको काम की तरफ कोई ध्यान नहीं है अब हमारे लिए जानना जरूरी था कि स्थिति कितनी नाजुक है क्या करना जरूरी है ये जानने के लिए हमने कुछ समय पहले बात की जम्मू और कश्मीर और सिक्योरिटी आउटलुक की जो पूरी ग्रिड है उसकी नस नस से वाकिफ राज्य के पूर्व डीजीपी एसपी वैद से वैद साहब आपका बहुत स्वागत है वेलकम धन्यवाद सर माय फर्स्ट वरी इज यानी कंसर्न इज इसमें कि ये जो मिलिटेंसी में एक शिफ्ट देख रहे हैं कि वो जम्मू की तरफ शिफ्ट कर रही है ये कोई इट Intended, ये क्या एक किसी खास आशय से हो रहा है जी, बिल्कुल देखिए ये जहां तक मैं इसको समझता हूं ये एक पूरी स, सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है ये ऐसे अकस्मात नहीं हुआ है और अगर आप पैटर्न देखें एक जो 370 हटने के बाद कश्मीर वैली में हालात में बेहतरी जो आई आपने देखा कोई भी पैरामीटर टेररिज्म का लीजिए चाहे वो रिक्रूटमेंट हो इन नंबर ऑफ इंसिडेंट हो सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड हो सिविलियन कोई भी आप पैरामीटर लीजिए कश्मीर में इसमें कोई डाउट नहीं है कि हालात में बहुत तब्दीली आई और जो पत्थरबाजी होती थी वो खत्म हो गई उस जीरो इंसिडेंट और सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स को क्रश किया गया और बहुत आ, उस पर बहुत सारे कदम लिए गए तो उसका जो एक नैरेटिव बनाया गया पाकिस्तान को वो नरेटिव सूट नहीं करता उसको पंक्चर करने का एक इरादा है और वो इरादा आ, को पूरा करने के लिए इससे बेहतर क्या है कि जो जम्मू पीसफुल एरिया है उसको टारगेट किया जाए जहां फोर्सेस पिछले पंद्रह साल से चूंकि हालात बेहतर थे जहाँ डिप्लॉयमेंट जो फोर्सेस जो आरआर के यूनिट्स थे वो कम हो गए पैरामिलिट्री जहां जहां डिप्लॉयड थी वो कम हो गई एसओजी और बी थोड़ी ढीली पड़ गई तो आ, इस सोच से मैं समझता हूँ किया जा रहा है जम्मू को पिछले एक डेढ़ साल से आ, इसी इसी की वजह से आपने देखा जम्मू कश्मीर के जम्मू रीजन को ज्यादा फोकस किया जा रहा है और उसमें भी पर्टिकुलरली शुरुआत हुई पिछले एक डेढ़ साल से आपने देखा काफी इंसिडेंट हुए और उसमें आ, मेरे ख्याल से 43 थ्री और 44 फोर हमारे जवान शहीद हो चुके हैं जम्मू रीजन पिछले एक साल में तो एक एक शिफ्ट जो दिख रही है और उसके दो तीन बजुआ बजुआत में और समझता हूं एक जिस तरह से पाकिस्तान देख रहा है कि कश्मीर में सिक्योरिटी ग्रिड का जो प्रेशर है उसको कैसे कम किया जाए और चाइना बॉर्डर पे आई बॉल टू आई बॉल इंडिया की फौज की डिप्लॉयमेंट है तो चाइना भी इसमें पार्टनर लगता है कि किस तरह से फौज का प्रेशर कम किया जाए तो उसके लिए इनकी दोनों की मिली भगत मुझे लगता है किस तरह से इन्होंने इस, इस सोच इस सोच से जम्मू रीजन को टारगेट किया है कि यहाँ ट्रूप्स की जरूरत पड़े और ट्रूप्स कहां से आएंगे तो कश्मीर से कुछ शिफ्ट होंगे या लद्दाख से शिफ्ट होंगे तो एक एक इंटेंशन मुझे लगती है उस प्रेशर को ईज करना और फोर्सेस का स्प्रेड करना क्योंकि जम्मू रीजन कश्मीर के मुकाबले कश्मीर एक प्लेन वैली है आप जानते हैं और आसपास चारों तरफ पहाड़ है जबकि जम्मू रीजन जो है हिली एरिया है डोडा अब भद्रवाह रियासी पीर पंजाल रेंज जो आप पहाड़ी तो इलाका है और वहां स्पार्सली पॉपुलेटेड है एक गांव इस पहाड़ पे है दूसरा उस गांव पे उस पहाड़ पे कनेक्टिविटी कश्मीर की तरह नहीं है कश्मीर में हर जगह कनेक्टेड हर गांव कनेक्टेड है यहाँ बहुत सारी जगहों पर आपको पैदल चलना है फोर्सेस को चार चार पाँच पाँच घंटे ट्रैक करना है तो यहाँ फोर्सेस बहुत ज्यादा पहाड़ों में खप जाती हैं अबजार्ब हो जाती हैं और इस जो ऐसा टेरेन है उसमें फोर्सेस का एकदम स्प्रेड होना एक इंडिया की पॉलिसी को फ्रैक्चर करने की कोशिश की जा रही है मैं समझता हूं इस नियत से इसमें चाइना की ब्लेसिंग से ये पाकिस्तान कर रहा है और दैट इज व्हाई यू आर सीइंग इंक्रीज्ड इंसिडेंट इन जम्मू रीजन पिछले डेट्स साल से पहले ये जोरीपुन से शुरू हुआ उसके बाद ये जो टेरर की आर्क है इसको स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है पहले आपने देखा राजौरी पुंछ में ही इंसिडेंट हो रहे थे एक डेढ़ साल से उसके बाद आपने देखा जिस दिन प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण हो रहा था किस तरह मत मत से शिव खोड़ी श्राइन से जो यात्री आ रहे थे उनकी बस को टारगेट किया गया जिसमें दस लोग अः हलाक हो गए शहीद मैं, मैं इसमें आपकी एक बात में से एक एक एलिमेंट लेता हूं आपने पहली बात जो कही उसकी मैं पूछ पकड़ूंगा कि देर हैज बीन अ सर्टेन डिग्री ऑफ लल जिसके कारण से लोअरिंग ऑफ गार्ड हुआ है क्या आप मानते हैं संक्षिप्त में कि दैट कैन बी ए सी दैट इज ए नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी मैं समझता हूं जब हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं तो वो जो अलर्टनेस होती है बिकॉज़ नो फोर्स कैन मेंटेन ट्वेंटी फोर सेवन आई अलर्टनेस तो वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है कि ठीक है यार सब ठीक ठाक है कोई ऐसी बात नहीं है तो जो जो प्रिकॉशंस लेने होते हैं जो जो वो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता गार्ड कम हो जाता है क्योंकि पंद्रह साल से जम्मू रीजन ऑलमोस्ट टेररिज्म फ्री था मुझे याद है मैं आईजी जम्मू था 2004 से 2008 और बाय द टाइम आई लेफ्ट जम्मू रीजन वॉज ऑलमोस्ट फ्री बाई आई थिंक सेवन एट के बाद यहाँ टेररिज्म ऑलमोस्ट खत्म हो गया था कभी कभी इक्का दुक्का इन्फिल्ट्रेशन होता था वो उनको इंटरसेप्ट कर लेते थे लेकिन यहाँ लोकल टे, टेररिज्म खत्म हो गया था और आज भी जो आप टेररिज्म देख रहे हैं जम्मू रीजन में वो लार्जली लार्जली क्या अभी तक हमारे नोटिस में मेरे नोटिस में जो भी आया है वो सारे फॉरनर लोकल टेररिस्ट नहीं ऑपरेट आप देखें रजौरी पुंछ में जितने टेरर टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं वो सब फॉरेनर हैं एज पर रिपोर्ट्स आपने देखा कठुआ में जो उस दिन इन्फिल्ट्रेशन कुछ दिन पहले हुई पंद्रह बीस दिन पहले तो जो दो टेररिस्ट मारे गए इन्फिल्ट्रेड हो गए गलती से वो किसी के घर में चले गए पानी मांगने के लिए तो वो भी दोनों पाकिस्तानी फॉरनर निकले पॉजिटिव साइन की रिक्रूटमेंट लेवल कम हुआ है ये इंडिकेट करता है ये 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 पॉजिटिव साइन है और जम्मू रीजन के कुछ टेररिस्ट हैं लोकल लेकिन वो पाकिस्तान में सेटल्ड है वो पाकिस्तान मुझे लगता है इस्तेमाल कर रहा है इनके लिए अपर ग्राउंड नेटवर्क करने के लिए क्योंकि उनके कांटेक्ट हैं उनके दोस्त यार यहाँ रहते हैं तो उनसे आजकल कांटेक्ट करना कोई मुश्किल नहीं है तो उनको इस्तेमाल करके इन फॉरेन टेररिस्टों को अंदर भेजा है जो जिनका जिनको जो ऑपरेट कर रहे हैं लेकिन उनको यहां मदद चाहिए लोकल लोकल मदद देखिए बिना लोकल मदद के ये काम नहीं हो सकता लोकल आ, मदद आनी चाहिए पाकिस्तान के टेररिस्ट को कैसे मालूम कि शिवखोड़ी की श्राइन कहाँ है और वहां यात्रियों की बस आती है जिस पर हमला किया उनको ये कैसे मालूम कि कठुआ के मशेडी इलाके में एक आर्मी की बस कच्चे रोड में जाएगी तो डेफिनेटली लोकल कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो किस वजह से पैसे की वजह से है या डर की वजह से है या आइडियोलॉजी की वजह से है या जो पाकिस्तान में हमारे यहाँ के लोकल टेररिस्ट बैठ बैठे हैं वो उनको डायरेक्शन दे रहे हैं तो आई थिंक इस तरह का ये जो मदद किया जा रहा है वो वो आफ्टर इनको जो टेरर फॉरेनटर्स यहां ऑपरेट कर रहे हैं उनको उनको खाना चाहिए उनको ट्रांसपोर्ट में, में मदद करते हैं उनको छुपाने में मदद करते हैं उनको प्रआ देते हैं ये सारी चीजें बिना खाने के वो वो आप महीनों के लिए तो खाना ला नहीं सकते पाकिस्तान से तो somebody is helping them तो लोकल तो, मैं यह जा जानना चाहूंगा कि आपने बड़े इंटरेस्टिंग एलिमेंट दिए कि ये जो लॉजिस्टिकल माइन्यूट इंफॉर्मेशन है इसका एक लेकिन एक फ्लिप साइड यह भी है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो सिक्योरिटी मैट्रिक्स है वो इतनी इंट्रीकेटली लिंक्ड है बोथ जम्मू कश्मीर जम्मू और कश्मीर रीजन की और उसके अलावा वेरियस ग्रेड्स जो है सिक्योरिटी के नीचे ग्राउंड लेवल गाँव में जो आपके डिफेंस मैकेनिज्म है उससे लेकर के टॉप आर्मी लेवल तक कि कहीं पे भी अगर स्लिप अप होता है इंटेलिजेंस या आपके देखरेख में निगरानी में तो ये, ये एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है तो डू यू थिंक समवेयर की कहीं एक स्लिप अप है मुझे लगता है देखिए अगर ये नहीं हुआ होता तो टेररिस्ट इस तरह से कामयाब नहीं होते आप देखिए इतनी कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए नहीं तो कहीं ना कहीं गलती है कमजोरी है उस कमजोरी का दुश्मन फायदा ले रहा है अब ये सबसे पहले आप इसी पे आए कि टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट किए चाहे वो आईबी सेक्टर से किए या एलओसी से किए जो जो कठुआ में ऑपरेट कर आए थे जो मारे गए दो वो पाकिस्तानी थे फॉरेनर थे और वो क्रॉस किए Uh, ये ये एस्टेब्लिश फैक्ट है जो डोडा में तीन मारे गए टेररिस्ट वो uh, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक बड़ा ग्रुप सात टेररिस्टों का आईबी सेक्टर से से क्रॉस किया था आज से कुछ चार हफ्ते पहले चार पांच हफ्ते पहले वो यहाँ से उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में गया जहाँ वीडीसी से उनकी मुठभेड़ हुई जहां एक वीडीसी वाला शहीद हो गया उसके बाद यही ग्रुप ऊपर भद्रवा की तरफ गया और वो जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो गए एक दो डोडा की तरफ चला गया और दूसरा इस तरफ ये जो 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 कठुआ के पहाड़ों में जो कल आपने इंसिडेंट देखा नहीं तो कठुआ जो जो भूगंडो में था उसने पहले पुलिस पिकट पर अटैक किया पुलिस वाले दो तीन को जख्मी किया और वो बाद में एनकाउंटर में मारे गए तीनों और ये जो ग्रुप है इसने आर्मी पिकट पर अटैक किया जिसमें तीन चार आर्मी वाले जख्मी हुए दो पुलिस वाले जख्मी हुए उसके बाद यही ग्रुप मुझे लगता है इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये इसने मशेडी बिलावर कठुआ की पहाड़ियों पर ये घात लगाकर हमारे फौज पर अटैक किया है तो जब तक ये न्यूट्रलाइज नहीं हो जाते तो मेरा ये कहना है कि ये अस्टेब्लिश फैक्ट है कि टेररिस्ट अंदर आ रहे हैं अगर अंदर आएंगे तो कुछ करेंगे अगर अंदर ही नहीं आए जो आइडियल uh, सिचुएशन होनी चाहिए ये अंदर नहीं आने चाहिए, आने चाहिए।, चाहिए। लेकिन दे फैक्ट रिमी दे है मैनेज टू एंटर चाहे वो टनल बनाकर आए हैं फेंस को काट के आए हैं या फेंस के नीचे से टनल बना के आए हैं आए हैं और वही लोग पुंछ में ऑपरेट कर रहे हैं वही लोग इस इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं जो, जो बाकी जिलों में और आहिस्ता आहिस्ता टेरर की जो आर्क है इसको स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है पुंछ से रियासी रियासी से डोडा डोडा से उधमपुर उधमपुर से कठुआ और ये सारा इलाका ये तो पूरा आप जम्मू आपके पीरियड में आपकी मेमोरी में क्या ऐसा दौर आया है जहां इस तरह का एक्टिविटी स्पर्ट हुआ मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं क्या आपको नहीं लग रहा कि एक टेक्नोलॉजिकल और एक स्ट्रेटेजिक अपग्रेड भी दिख रहा है ये जो टेररिस्ट आ रहे हैं इनमें बिल्कुल है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड बिल्कुल है स्ट्रेटेजिक अपग्रेड बिल्कुल है आपका बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी का अपग्रेड मैं बताता हूं आज जो कम्युनिकेशन मैं सुन रहा हूं ये रजौरी पुंछ में इस्तेमाल करें चाइनीज टेक्नोलॉजी है और उसको आसानी से इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे जो हमें कश्मीर में पहले हम आ, आ, इनको इंटरसेप्ट कर लेते थे उससे लोकेशन टावर लोकेशन मिलती थी रफ लोकेशन मिलती थी वो आज नहीं मुमकिन हो रहा दूसरा आ, जिस तरह का वेपनरी इनके पास है इनको जंगल वारफेयर में ट्रेन किया गया है पुंछ में आर्मी पर हमला करके पांच पांच लोगों को शहीद करना कोई आसान काम नहीं है नहीं। तो इनको जंगल वारफेयर में ट्रेनिंग दी गई इसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक जो आज आर्मी चीफ है उन्होंने पिछली बार कहा भी कि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसमें पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर लोग भी हैं जो रजौरी पुंछ के इलाके में तो इसका मतलब है टेक्टिकल अपग्रेडेशन है टेक्नोलॉजी के लाभ अच्छा वेपन देखिए क्या यूज कर रहे हैं जो आर्मी आम, आर्मी जो जो अमेरिका अमेरिकन आर्मी छोड़ के चली गई थी वेपन अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में वो वो वेपन किसी तरह इनके हाथ लगे हैं किस तरह से लगे मुझे नहीं मालूम लेकिन वो वेपन इस्तेमाल हो रहा है आ, और उसको अच्छा उसमें जो बुलेट्स uh, यूज हो रही है वो चाइनीज स्टील कोटेड बुलेट्स है जो बुलेट प्रूफ गाड़ी को कर देती है तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है तो अमेरिकन टेक्नोलॉजिकलेशन की जंगल वॉरफेयर और आ, इस तरह के कॉम्बैट के लिए उनके पास नाइट विजन और इस तरह के भी इक्विपमेंट दिए गए बिल्कुल इंडिकेट्स कि नॉट जस्ट कि एक नए टेरेन में जम्मू जैसे टेरेन में ऑपरेट करने के लिए बल्कि उस टेरेन में जो चैलेंजेस उनको आएंगे उनको भी फैक्टर इन कर लिया गया है टेररिस्ट द्वारा बिल्कुल कर लिया बिल्कुल कर लिया और उसी उसी रणनीति से ये किया जा रहा है व्हाट अबाउट ड्रोन्स और ये जो आई डी टेक्निक्स आ रही हैं दिस न्यूअर एलिमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंट्री हुई है ड्रोन uh, का इस्तेमाल किया जा रहा है बॉर्डर में कंसाइनमेंट ड्रॉप करने के लिए वेपन्स ड्रॉप करने के लिए ड्रग्स ड्रॉप करने के लिए इसमें ये एस्टैब्लिश फैक्ट है और बहुत बार बॉर्डर बार में उनको इंटरसेप्ट भी किया गया है मैंने सुना है कि ऐसे ड्रोन भी आ गए जो मैन पावर को ड्रॉप कर सकते हैं चाइना से इन्होंने प्रोक्योर किए आई डोंट नो वेदर दे आर बींग यूज यट आई डोंट नो बट ये रिपोर्ट्स भी आई हैं लेकिन ये फैक्ट है कि पाकिस्तान से टेररिस्ट अंदर एंटर किए हैं और एंटर किए हैं तो इंसिडेंट हो रहे हैं तो सबसे पहला कदम हमें लेना पड़ेगा कि हमें एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या कार्रवाई करनी है वो हमें आर्मी के और बीएसएफ की जो सीनियर लोग हैं उनको इस पर गौर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये इन्फिल्ट्रेशन किस तरह से और मुश्किल की जा सकती है ये बहुत जरूरी है और दूसरा जो लोग इनकी मदद अंदर कर रहे हैं उनको प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जे पुलिस की है आइडेंटिफाई करना और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ये भी आ, आ, मैं समझता इन दो एंगल पर अगर तो इस आ, और आप जो टेररिस्ट अंदर इसके हैं उनको न्यूट्रलाइज़ जल्दी से जल्दी करना ये तीन चीजें अगर की जाए तो हम हालात को फिर भी बहुत अच्छी तरह से सुधार सकते सर कश्मीर में हमने देखा कि कश्मीर में जो जे, आ, कश्मीर पुलिस पुलिस है उसका एक्मिटाइजेशन और उसका एक ऑन द ग्राउंड एक्सपीरियंस इतना ज्यादा हो गया है और अच्छा हो गया विच इज कॉल्ड द स्किल्स जो है उनकी क्या आपको लगता है कि जम्मू सर्टन पीरियड ऑफ टाइम एक पीसफुल एरिया रहा है पंद्रह साल आपने कहा पीस रही है क्या आपको लग रहा है कि जम्मू में भी एक सर्टन डिग्री ऑफ रीथिंक ऑफ डिप्लॉयमेंट ट्रेनिंग सबकी जरूरत पड़ेगी स्पेशली वाई आई से चैलेंज चाइना का चैलेंज कहीं नहीं जा रहा पाकिस्तान का चैलेंज कहीं नहीं जा रहा अगर वो ये कोशिश यही है कि डायवर्जन क्रिएट करके थिंग ऑफ फोर्सेस करवाई जाए चाइना और कश्मीर एरिया में जम्मू में ट्रबल क्रिएट करके डू थिंक जम्मू ऑल्सो नाउ नीड्स टू राइज अप टू सर्टन लेवल ऑफ स्ट्रेटिजिक ट्रेनिंग एज वेल एज प्रिपेयरनेस उट इट टू बी डन आई स्ट्रेटेजिक चेंज हैज़ टू कम इन जम्मू रीजन ऑल्सो नाइंटीज में और 2000 में बहुत uh, बुरा वक्त गुजरा है जम्मू रीजन में कोई टेररिज्म कम नहीं था अगर आप देखें नए बहुत बड़े बड़े मैसेकर्स हुए हैं बहुत बड़े बड़े बहुत सारे पुलिस स्टेशन लूट लिए गए चौकियां लूट ली गई मैं डिफरेंट कैपेसिटीज में यहाँ काम किया है और फिर एज ऑफ जम्मू रीजन एज आई भी काम किया है तो मैं यहाँ बहुत सारे आपको याद होगा उस जमाने में अड़वाणी जी होते थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर वो, वो आया करते थे जहां भी मैसेकर होता था तो और, तो बी वहां पहुंच करके पाकिस्तान स्टेट हाँ हाँ तो बड़े बहुत ज्यादा मैसेकर्स हुए बहुत ज्यादा ये पूरा इलाका बहुत बुरी तरह अफेक्टेड था और यहाँ भी कोशिश की गई जो मेरा मानना है जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से आ, उनको आ, निकाला गया वहां से उसी तरह की प्लानिंग जम्मू के पहाड़ी इलाके में भी हिंदू माइनॉरिटी को आ, निकालने की कोशिश की गई थी लेकिन फॉर्चुनेटली विलेज डिफेंस कमेटी की कंसेप्ट आने से मैं समझता हूँ जिनके वो वो जो पाकिस्तान की इरादे थे उसमें वो कामयाब नहीं हुए जब लोगों को हमने हथियार दिए उनको ट्रेनिंग दी बी बनाई रात पूरी पूरी रात वो टेररिस्टों से लड़ते थे जब तक री एनफोर्समेंट चार पांच घंटे में आती थी आर्मी की या सीआरपी सी, की या बीएसएफ की या पुलिस की तो इस तरह इस इलाके को भी उन्होंने कोशिश की थी कि किस तरह से यहाँ की हिंदू माइनॉरिटी को भगाया जाए लेकिन वो कुछ हद हाँ तक लोग नीचे आए भी थे रियासी में कैंप रहा उनका लेकिन लार्ज वो नहीं काम कामयाब सर एक मैं आपसे पॉइंट जानूंगा दैट कंटेप्रेरी तो एक जो कंसर्न है वो अमरनाथ यात्रा है डू यू हैव कंसर्न ये जो अभी हाल में इंसिडेंट्स हुए हैं आपको अमरनाथ यात्रा को लेके कंसर्न है कि आपको लगता है कि वो उस यात्रा को फोकस टारगेट करने की जगह इस रीजन में ज्यादा ऑपरेट करेंगे देखिए उनको मौका मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं आ, वो मौका मिलेगा तो दे विल डेफिनेटली टारगेट अमरनाथ यात्रा बिकॉज वो वो हाई प्रोफाइल है दैट मेक्स अ बिग बिग न्यूज और आज से पहले भी कई बार अमरनाथ यात्रा पर अटैक हुआ है और वो इनकी अवॉर्ड पॉलिसी है कि किसी तरीके से उससे पाकिस्तान को सूट करता है आपने देखा जैसे शिवखोड़ी के यात्रियों पर हमला किया जैसे दो बार रघुनाथ मंदिर पर अटैक हुआ जैसे अक्षरधाम मंदिर पर अटैक हुआ राम मंदिर अयोध्या पर अटैक हुआ अमरनाथ यात्रा पर तीन चार बार अटैक हुआ वो इसी इरादे से किया जाता है कि जो भारत की फ्रेजाइल कम्युनल सिचुएशन है जो फॉल्ट लाइन है उसको एक्सप्लाइट किया जाए ताकि हिंदुओं से बैकलैश हो मुसलमानों पर और दो कम्युनिटीज को आपस में लड़ाया जाए ये पाकिस्तान हमेशा करता आया है उसके अलावा उसके अलावा ग्लोबल रेडिकल ऑडियंस जो है उसको भी दे गेट समथिंग टू सेलिब्रेट यस ग्लोबल रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का वो एजेंडा भी बिल्कुल फंडिंग वंडी जाता है उससे और ज्यादा यस yes, फंडिंग आता है और बैकिंग मिलती है बहुत सारी जगहों से तो वो वो भी इनका रहता है उसके अलावा सर एक और कि इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि रीजनल इलेक्शंस होंगे इस साल क्या आपको लगता है कि एक नजर इन हमलों की उस पे भी है एंड डू यू थिंक हम कितनी दूर हैं एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज इवेंटलेस देखिए जिस तरह की पोलिंग हुई है पार्लियामेंट में आपने देखा फिफ्टी परसेंट से ऊपर पोलिंग और ये रिकॉर्ड है पिछले पैंतीस सालों का। सालों का जी और उन मोर देन फिफ्टी परसेंट पोलिंग का मतलब है सवेरे सवेरे लोगों ने लाइन बूढ़े औरतें सब लाइन में लगे हुए थे तो वो ऑलमोस्ट साठ परसेंट एवरेज नेश, नेशनल एवरेज होती है साठ पैंसठ परसेंट तो ऑलमोस्ट नेशनल एवरेज के बराबर ना ये बात पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है उसको हाजम नहीं हो उसे आप जानते हैं मैंने इनफैक्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को एक वीडियो दिखाया था जब मैं डीजीपी था कि किस तरह से उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन आती है पार से कि इलेक्शंस नहीं होने देनी है सर तो, ये थोड़ा तफसील से बताइए क्या क्या वाक्य था वाक्यात ये था जब मैं डीजीपी था तो जो डीजीपी कॉन्फ्रेंस होती है उसमें प्राइम मिनिस्टर होती है विज्ञान भवन में हाँ तो प्राइम मिनिस्टर साहब से के साथ मुझे मौका मिला बैठने का मैंने उनको एक वीडियो दिखाया था उनको याद ये, ये कहाँ से आया था वीडियो आपके पास यानी ये पाकिस्तान से टेरिस्टों को इंस्ट्रक्शन आती है कि इलेक्शन को किसी भी हालत में सेबोटाज करना है जो खड़ा होता है उसको टारगेट करना है दा, क्योंकि ये, ये पाकिस्तान अपने लोगों को तो डेमोक्रेसी अलाउ नहीं करता है तो आप तो कैसे बर्दाश्त करेगा और जिस जिस तरह का रिस्पॉन्स कश्मीर में इस बार 370 हटने के बाद फिफ्टी परसेंट प्लस आपको वोटिंग परसेंटेज हो वो कैसे पसंद करेंगे कि इस तरह की वोटिंग असेंबली इलेक्शन में हो जाए वो तो, तो इसमें डेफिनेटली Uh, ये ट्राई करेंगे कि असेंबली इलेक्शन को टारगेट किया जाए लेकिन मैं समझता हूँ हमें इससे चूकना नहीं चाहिए क्योंकि इलेक्शंस करवाना हमारी कामयाबी है बहुत सारे लोग इसके खिलाफ नरेटिव बोलते हैं जबकि मैं समझता हूँ इलेक्शन कराना हमारी कामयाबी का एक राज है हाँ अगर आप समझते हैं कि पुलिस स्ट्रक्चर को आ, अभी भी अपने पास रखना यूनियन टेरिटरी स्टेटस कैन गो ऑन फॉर टाइम स्टेट हुड यू कैन एट एन एप्रोप्रिएट टाइम जब हालात और इंप्रूव हो जाए तब आप करिए क्या आपको लगता है कि टाइम एप्रोप्रिएट है आर वी क्लोज टू इट कि अभी अभी थोड़ी संयम की जरूरत है हां मैं समझता हूं अ, अगर एक प्रॉपर तरीके से इस पॉलिसी जो मैं बोल रहा हूं इसको फॉलो किया जाए तो अ, बहु, बहुत बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा कि हालात काबू में आएंगे हाँ हंड्रेड अगर मैं कहूं कि जब तक पाकिस्तान जैसा नेबर है हंड्रेड परसेंट इंसिडेंट फ्री होना मुमकिन वी आर वेरी नियर टू दैट कश्मीर में काफी हद तक इंप्रूवमेंट हुई है जम्मू रीजन को एड्रेस करना मुश्किल नहीं है अगर यो जो चीजें मैं कह रहा हूं वो की जाए कहावत है कि पुराना शहर कभी भी अपने इलाके पे नजर रखना नहीं छोड़ता तो मैं आपसे कहूंगा कि पूछूंगा कि आप अभी अगर मैं पूछू वन टू थ्री थ्री एलिमेंट्स जहां हमको टाइटनिंग जरूरी है जो आपको दिखता है कि साफ दिख रहा है कि अगर हमें नहीं दिख रहा और किसी और को दिख जाए दुश्मन को तो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है तो वो तीन एलिमेंट आपको क्या लगेगा रफली अगर मैं आपसे बैक ऑफ सजेशंस पूछूं तो देखिए ऐसा है सबसे पहले जम्मू रीजन में क्योंकि लोकल टेररिज्म नहीं है मिलिटेंसी नहीं है तो सबसे पहले इनफिल्ट्रेशन को किसी भी हालत में रोकना है दैट इज सबसे पहली कंडीशन दैट इज एट द एलओसी एंड आईबी और बोथ बोथ आईबी एंड एलओसी बोथ ऑफ जम्मू रीजन आई थिंक दैट नीड्स टू बी टाइटन उसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो उठाने चाहिए नंबर वन नंबर टू जो जिस तरह से कश्मीर में कामयाबी मिली मैं वहां एक आम आदमी से पूछा एक ड्राइवर से पूछा कि कश्मीर में क्या बदला 370 के बाद देखिए एक ड्राइवर का जवाब देखिए आप बड़े बड़े लोगों का छोड़ दीजिए उसने कहा सर जब ये मैसेज क्लियर गया कि अगर आप कुछ गड़बड़ करेंगे आपका घर भी सीज होगा और आपको सरकार नहीं छोड़ेगी आपको अरेस्ट करेगी पीएसए में डिटेन करेगी और जम्मू कश्मीर से बाहर जहाज में डाल के भेजेगी जब ये मैसेज गया पत्थरबाजी बंद हो गई लड़कों ने टेररिज्म ज्वाइन करना बंद कर दिया तो एक क्लियर फर्म पॉलिसी नो नॉन पॉलिसी विच वॉज फॉलोड इन कश्मीर ऑल्सो नीड्स टू बी फॉलोड इन जम्मू डेट इज आपका एक्सपीरियंस आपका आप ऐसे टाइम में रहे हैं जहां आप जब आपने देखे हैं जब समय जब सरकारें थी आप कह रहे हैं कि एक क्लियर सिग्नल गया पोस्ट थ्री सेवेंटी क्या आपको लगता है कि यही डेफिशिएंसी थी एक समय पे दैट द स्टेट इट जो थी वो कहीं कमजोर पड़ जाती थी बिल्कुल मैं बिल्कुल इस बात को मन, मैं पर... के बाद ये खतरा फिर से बन सकता है बिल्कुल बन सकता है लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं अगर यूनियन टेरिटरी स्टेटस रहेगा तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर पुलिस रहती है इस तरह दिल्ली में आप देखते हैं वो तो, केजरीवाल के नीचे पुलिस नहीं है इसी तरह का स्ट्रक्चर यहाँ कुछ टाइम के लिए किया जा सकता है लेकिन इलेक्शन करवानी चाहिए क्योंकि लोगों के छोटे छोटे मसले होते हैं ब्यूरोक्रेट्स लोगों को एलिनेट करते हैं जो आज भी एलिनेशन अगर आप आ, बात करें आम आदमी से जम्मू में या कश्मीर में उन ब्यूरोक्रेट्स आर इनएसेसिबल नॉट एवरीवन कैन गो एंड मीट एल नॉट एवरी वन कैन गो एंड चीफ सेक्रेटरी एंड कमिश्नर्स तो जब इलेक्शन होती है एम एल एस जो उनके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लोग उनको पकड़ते हैं उनके छोटे मोटे काम होते हैं तो ये बहुत जरूरी है इलेक्शन करना ये मेरा उससे उससे देश के लिए अच्छा रहेगा लोगों के लिए अच्छा रहेगा और पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका लगेगा तर एक सवाल एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो कश्मीर से बाहर स्ट्राइफ टाउन इलाकों से बाहर रहते हैं उनके लिए कश्मीर में आतंकवाद जो है वो ऐसा है कहीं दूर हो रहा है आ, ये वो लोग हैं जो कि पटाखा भी जब जलाते हैं तो थोड़ा एक डंडी पे अगरबत्ती लगा के दूर से आग लगाते हैं ना आपने बहुत करीब से देखा है तो वैद साहब ने अपने करियर में पहली बार एक टेरर एनकाउंटर कब देखा और उसमें क्या हुआ यानी वॉट वॉज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू एज एज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ टेरर एनकाउंटर ये मैं मेरी जिंदगी में चूंकि मैंने पैंतीस साल यहाँ सर्विस की है बहुत बहुत मौके आए जब टेररिस्टों से आमना सामना हुआ और एक हादसे में तो मैं बहुत सीरियसली जख्मी हुआ जब मैं डीआईजी आई जी बारामूला कुपवाड़ा बारा रेंज था किस और, साल की बात है ये

आपको याद होगा तो उस, उसी फेज में मेरे ऊपर सबसे पहले थोड़ा तफसी से बताइए हाँ, मैं गे 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 मैं डी आई जी बारामूला था और मैं उन दिनों आईजी कश्मीर का चार्ज होल्ड कर रहा था और मुझे श्रीनगर में कुछ दिनों के लिए रुकना था उस वक्त के डीजीपी ने कहा आप श्रीनगर में आईजी का चार्ज होल्ड करिए और वहां रुकिएगा लेकिन मुझे आ, किसी वजह से वापस बारामूला जाना पड़ा और मैंने ऑपरेटर को कहा कि गाड़ियां तैयार करिए हमें रुकना नहीं है श्रीनगर वापस बारामूला जाना है तो वो जो कश्मीरी मेरा ऑपरेटर था लोकल लड़का उसने वायरलेस उन दिनों मोबाइल नहीं होता था वायरलेस पे बोल दिया कि साहब वापस आ रहे हैं खाना तैयार रखिए वो खाना मुझे जिंदगी में बहुत महंगा पड़ा अच्छा वो तो तो वायरलेस मैसेज जो है वो इंटरसेप्ट कर लिया गया टेररिस्टों से एक क्रेंकन एक गांव है सोपुर के पास वहां सात आठ टेररिस्टों का ग्रुप था उन्होंने वो इंटरसेप्ट कर लिया उन्होंने एक और ग्रुप को कांटेक्ट किया जो टंगमर्ग के इलाके में था और दोनों ग्रुप नीचे आए और एक पुतखा गाँव है सोपुर क्रॉसिंग से एक किलोमीटर पहले जब आप श्रीनगर से बारामूला जाते हैं नेशनल हाईवे पे तो उन्होंने वो गांव खाली कराया दोनों तरफ यूएम यूनिवर्सल मशीन गन्स गिट की ऊपर और जैसे ही मेरा मोटरकेट रात के साढ़े आठ बजे आ रहा था हल्की सी बारिश हो रही थी ट्वेंटी थर्ड मार्च नाइनटी नाइन था आपका कितना बड़ा मोटर था फ्रंट स्कार था जे एंड के पुलिस का मेरी बीपी एम्बेसडर कार थी और पीछे एक और एस्कार था सीआरपीएफ का तो हमारे ऊपर गोलियों की बुरश साथ हुई पूरी तरह से और पहली मेरी एस्ट जो थी वो निकल गई उसको गोलियां लगी लेकिन वो उनको जख्मी कोई नहीं हुआ उसके बाद मेरी गाड़ी थी बीपी एम्बेसडर थी फॉर्चुनेटली बढ़ता सैकड़ों गोलियां लगी और उसमें से चूंकि वो बुलेट प्रूफ होती है अगेंस्ट ए के फोर्टी सेवन लेकिन इट वाज यूनिवर्सल मशीन गन जो रिपीट फायर करती है तो उसने पंक्चर कर दिया और बुलेट प्रूफ ग्लास से गोलियां निकल आई एक गोली मेरे ड्राइवर के लेफ्ट कंधे को लगी और क्रॉस कर गई पंक्चर दिल्ली में करवाया ये पूरी तरह से कट गया था इसको प्लास्टिक सर्जन ने दोबारा बनाया और ये पिन पर टिका हुआ है ये और ये मास्क यहाँ से लिया हुआ है तो तीन महीने यहां लगा रहा तो शैटर हो गया था तो उसके बाद इन्होंने ग्रेनेड मारे और दे वॉन्टेड टू किडनेप मी एक टेररिस्ट आया उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन फॉर्चुनेटली लॉक था खोल नहीं पाया वो किडनेप नहीं कर पाए और मैं इंजर्ड हाथ से ड्राइवर ढीला कम, कमजोर पड़ गया जब उसको गोली लगी मैंने उसको पीछे से हाथ से आ, हिंट जोर से पुश किया मैं गाड़ी निकालो यहां से क्योंकि मेरे दिमाग में उस वक्त तीन चीजें आई एक सबसे पहले पहली पहला आ, थॉट गया फैमिली की तरफ दूसरा थॉट गया भगवान कृष्ण की तरफ और थर्ड थॉट गया जो मैंने नेशनल पुलिस अकेडमी में सीखा था कि एम्बूस से बचने का बेस्ट तरीका है एम्बूस से निकल जाओ क्योंकि यू डोंट नो एनिमी कहाँ बैठा है वो छुप कर बैठा है घात लगा के बैठा है अंधेरे में बैठा है तो uh, ड्राइवर को जब मैंने पीठ पे उसको जख्मी हालत में पुश किया तो उसने कोशिश की और वो गियर जो निकल न्यूट्रल हो गया था वो लग गया और गाड़ी खिंच गई और फिर मेरा वरी था कि मेरा ब्लीडिंग से डेथ ना हो जाए क्योंकि अभी दस किलोमीटर दूर था बारामूला तो मैंने वहां वायरलेस ऑपरेटर से वायरलेस पकड़ी और कहा पुलिस कंट्रोल रूम को मैसेज दिया कि आप फॉरन हॉस्पिटल का रेडी रखिए वहां डिप्टी कमिश्नर एसएसपी और एसएचओ को बोलिए डॉक्टर रेडी रखे ताकि ता मैं जैसे ही पहुंचू तो मुझे वो ट्रीटमेंट मिल जाए तो अनफॉर्चुनेटली वो सारा हो गया लेकिन अफसोस की बात ये है कि उन दिनों हॉस्पिटल्स की इतनी बुरी हालत थी कि वहां लोकल एनेस्थीस क्या नहीं था इस हाथ को उन्होंने ऐसे सिया जैसे बोरी को रस्सी से सीते हैं और लेकिन हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने कहा हम ग्रनेड जो आपके हेड में लगा है वो हम नहीं निकाल सकते स्प्लिंटर स्प्लिंटर मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो ग्रेनेड जो है वो ब्रेन को डैमेज नहीं किया जनरल जो वो वो जो वहां आ गए जीओसी थे उन्होंने कहा हम आपको रात को नाइनटी टू बेस हॉस्पिटल शिफ्ट श्रीनगर कर रहे हैं रातों रात आर्मी लगी क्योंकि हेलीकॉप्टर आ नहीं सकता था और फिर मुझे रात को आर्मी बेस हॉस्पिटल में ये स्प्लिंटर ग्रेनेड जो यहाँ लगा था वो निकाला हेड से और दूसरे दिन फिर मेरी वाइफ आई मुझे दिल्ली ले गई और ये इलाज हुआ दिल्ली में तो खैर कोई पूछता नहीं वहां डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट ही नहीं दी कहते मैं बहुत बिजी हूँ तो फिर खैर किसी हम प्राइवेट डॉक्टर के पास गए डॉक्टर सतीश गुप्ता थे वो आई डोंट थिंक ही इज अलाइव नाउ उन्होंने ये मेरा हाथ रिकंस्ट्रक्ट किया तो ये शॉर्ट स्टोरी सर ये मैं ये कहना चाहूंगा कि पीपल हैव स्टोरीज टू टेल द ग्रैंड चिल्ड्रेन की फला मैंने तीतर मारा बटेर मारा लेकिन यू हैव स्टोरीज लाइक दिस आई थिंक यू मस्ट बी एनरिचिंग योर ग्रैंड चिल्ड्रेन विद ऑल दीज वंडरफुल स्टोरीज आई होप दट यू स्टे कीप अ वेरी हेल्थी लाइफ एंड कंटिन्यू गाइडिंग आई थिंक द पीपल हु आर द डिसन मेकर उनको गाइड करना अभी भी कंटिन्यू करें सो दैट योर एक्सपीरियंस कैन बेनिफिट द फोर्सेस पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड डेफिनेटली ऑल ऑफ एस हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू वे मच अब आखिर में पाकिस्तान और पाकिस्तान में आतंक के आका अपने तौर तरीके नहीं बदलेंगे ये हमले जो पिछले कुछ दिनों में हुए ये इसलिए हो पाए चूंकि कहीं हमसे ही कोताही हुई कहीं हमने ही ढील करी तो बिग पिक्चर क्या है बिग पिक्चर शायद ये है कि 370 को हटे पांच साल हो चुके हैं उसके कई फायदे सामने आए हैं लेकिन एक बात ज़रूर है कि कहीं भी ऐसी स्थिति में पॉलिटिकल वैक्यूम नहीं होना चाहिए लोकल लीडरशिप ज़रूरी है अपने रिप्रेजेंटेटिव लोगों के लिए ज़रूरी है और इसीलिए पाकिस्तान नहीं चाहता कि इस इलाके में जम्मू और कश्मीर में चुनाव हो असेंबली हो अपनी सरकार बने और इसीलिए शायद केंद्र सरकार का दायित्व है कि चुनाव जल्द से जल्द हों और जरूर हों आज के लिए इतना ही जिस्ट को देखते रहिए सब्सक्राइब करिए नमस्कार